गया महिला पुलिस और साइबर सेल ने किया युवाओं को साइबर क्राइम जागरूकता अभियान में जागरूक। आज तकनीक ने हर काम को आसान कर दिया। वहीं देश के 80% युवा इंटरनेट का औसत 1.5 GB खर्च नकारात्मक दुनिया में करते हैं, और हालत यह है कि इंटरनेट की दुनिया में बिना किसी मतलब के देर रात जागे रहना परिणाम स्वरूप कम उम्र में सरदर्द, आंखों की परेशानी के साथ मेमोरी में कमजोरी भी देखी जा रही है। उपयुक्त बातें महिला थाना प्रभारी रवि रंजना ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के दौरान राजीव रीजनिंग क्लासेस में कहे। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल भावनात्मक रहकर कभी ना करें, परिणाम 90% युवा इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको कभी भी ब्लैकमेल करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कैची जैसा है, इसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं या सदुपयोग, यह आप पर निर्भर करता है। महिला थाना प्रभारी रवि रंजना का मानना है कि आज ऑनलाइन दुनिया में रहकर इसके सहारे UPSC और BPSC जैसे एग्जाम आप पास कर सकते हैं। मौके पर गया के टेक्निकल सेल के ददन प्रसाद ने बताया कि आज छोटे से लेकर बड़े क्राइम के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं और उसी तकनीक के सहारे वो फिर पकड़े जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे फर्जी अकाउंट को कुछ मिनट में ही बंद नहीं किया जाता बल्कि अपराधी के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि युवा मिथ्या मेरे रहते हैं, निजी तस्वीर उसका प्रॉपर्टी है, वायरल करने पर करियर तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि बेवजह कोई ऐप डाउनलोड ना करें, आपके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ही नहीं आपके फोटो वीडियो पर नियंत्रण भी कर लेंगे और आपको लाइव भी कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। R9 भारत के लिए सुरेश निखर की रिपोर्ट। ठीक है, एक एक एप्स जो होता है वो
दूसरा एक सीधा एग्जांपल है कि जैसे आपने घर, आप घर के अंदर हो और कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति आपका डोर नॉक कर देता है, तो आप सबके लिए दरवाजा खोल देते हैं? नहीं। एक ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो क्या क्या चीज मांगता है आपसे परमिशन? वो आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन मांगता है, आपके गैलरी का परमिशन मांगता है, आपके कैमरा का परमिशन मांगता है, माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आ गया, आप उसको नाश्ता पानी भी कराएंगे और जैसे ही नाश्ता पानी करने का कहेगा कि अब तू अपना एल्बम दिखाओ, क्या दिखाएंगे उसको? नहीं दिखाएंगे। वो आपके रूम में आएगा, कहेगा आपकी हर बात को सुनेगा, क्या हर बात आप सभी को शेयर कर देते हैं? नहीं करते। तो वैसे ही ये एप्स है, बिल्कुल मेहमान जैसा आपके फोन में आकर बैठेगा, आपकी बैटरी खाएगा, आपका डाटा खाएगा, जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी करेगा, आपकी गैलरी को देखेगा, उसको रीस्टोर करेगा, माइक्रोफोन की परमिशन भी देते हैं, अपने लोकेशन की भी परमिशन देते हैं। और अगर एप्स ही लोड करना है तो कम से कम इन सब परमिशन को उसमें नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बिना परमिशन के ओपन नहीं होते या खुलते हैं।